सबसे अधिक उम्र की महिला पर्वतारोही है ज्योति। 54 साल की उम्र, ऑस्ट्रेलिया में 2 घंटे में पूरी की 2228 मीटर की चढ़ाई। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। भोपाल की ज्योति रात्रे ने ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कॉजियस्को को फतेह कर लिया है। ज्योति ने चढ़ाई 19 अक्टूबर को सुबह 9 बजे शुरू की और महज 2 घंटे बाद 2228 मीटर की ऊंचाई पर तिरंगा फहराया। इससे पहले ज्योति बीते 6 साल में दुनिया के 17 से अधिक पर्वतों की चढ़ाई कर चुकी हैं, जिनमें यूरोप का माउंट एल्ब्रूस, अफ्रीका का किलिमंजारो, दक्षिण अमेरिका का अकोनकागुआ शामिल है। 10 पर्वतों पर जाना चाहती थी, बंद हो गया पार्क। सूत्रों के मुताबिक 54 वर्षीय ज्योति रात्रे ने बताया कि मैंने 19 अक्टूबर को सुबह 9 बजे चढ़ना शुरू किया। 11 बजे 7310 फीट यानी 2228 मीटर की ऊंचाई पर थी। मैं पहले कई चोटियां फतेह कर चुकी हूं, ऐसे में इस बार मुझे कोई खास चैलेंजेस महसूस नहीं हुआ। हालांकि इस दौरान मौसम में थोड़ा बदलाव जरूर हुआ था, कई बार कुछ देर के लिए बादल भी आ गए। मैंने वहां सीसम 1 और 2 की चढ़ाई भी की। ज्योति ने बताया कि वे माउंट कॉजियस्को के पास मौजूद 10 पर्वतों पर जाना चाहती थी, लेकिन नेशनल पार्क बंद होने के चलते वह सिर्फ 2 अन्य पर्वतों पर ही चढ़ाई कर सकी। पृथ्वी की सबसे ठंडी जगह जाने की तैयारी। ज्योति ने बताया कि मैं दुनिया की सबसे खतरनाक मानी जाने वाली जगह अंटार्कटिका की तैयारी करूंगी। सब कुछ सही रहा और स्पॉन्सरशिप मिली तो जनवरी 2024 में वहां जाऊंगी। अंटार्कटिका पृथ्वी पर सबसे ठंडी जगह है। इससे पहले ज्योति यूरोप की माउंट एल्ब्रूस, अफ्रीका का किलिमंजारो, दक्षिण अमेरिका का अकोनकागुआ को फतेह कर चुकी हैं। ट्रेनिंग के बारे में बताया कि इसके लिए कोई बहुत खास ट्रेनिंग नहीं की है, जनरल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही चल रही थी। एवरेस्ट पर खराब मौसम से जूझना पड़ा। ज्योति रात्रि का कहना है कि मैं एक बिजनेस वुमेन हूँ। मेरे पति के रात्रि मध्य प्रदेश विद्युत मंडल HR में जनरल मैनेजर हैं। मुझे दुनिया की 7 समिट करनी है। सबसे पहला ट्रैक साल 2017 में मनाली में किया था। यहाँ जाकर ऐसा लगा कि मुझे पर्वतों पर जाते रहना चाहिए, वे हमें उनकी तरफ खींचते हैं। 23 मई 2023 में मैंने एवरेस्ट की चढ़ाई की, 8200 मीटर तक पहुंच गई, तभी मौसम खराब हो गया, हमें व्हाइट आउट का सामना करना पड़ा। विजिबिलिटी पूरी तरह से जीरो थी, 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। मेरे गाइड शेरपा ने आगे जाने से इनकार कर दिया था, जिसके चलते मुझे लौटना पड़ा। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।